दुनिया कबहू बढ़ेगी मोरी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी मोरी चोटी, काचो दूध पियावत पच पच, काचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी, देत न माखन रोटी, हो मैया मोरी। सात साल का छोटा सा बच्चा मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचायो, लगता नहीं है जैसे दो दोस्तों के बीच की बात हो। दो बच्चे आपस में झगड़ा करके मां से शिकायत कर रहे हो। ऐसी ही कृष्ण लीलाओं का वर्णन किसने किया है हम सब जानते हैं, फिर भी महाकवि सूरदास ने, यकीन नहीं होता ना कि जन्म से अंधा कवि इतना सजीव वर्णन और चित्रण कर सकता है। तो कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अरे सुरे, गाने के साथ साथ अच्छी कविता भी करने लगा है तू इतनी कम आयु में। भूत के पांव पाले में ही नजर आ जाते हैं, कितनी मिठास है गले में, कल्पना की कितनी ऊंची उड़ान। एक दिन अपने गांव का नाम ऊंचा करेगा ये। वाह, हाँ बेटा, ये क्या है माँ? ये तो हाथी है। हाथी? हमारे शहंशाह का हाथी? हाँ, तेरे शहंशाह का हाथी। और ये क्या है माँ? ये तो बत्तख है बेटा। और ये? ये तो तोता है। तोता? मिट्टू? और ये क्या है? ये तो मोर का पंख है। इसी मोर के पंख को तेरी श्याम सखा अपने मुकुट में लगाते थे। और ये क्या है माँ? ये बांसुरी है, तेरी श्याम सखा की प्यारी बांसुरी, जिसे सुन तेरी श्याम सखा की प्यारी राधा और गोपियां दौड़ी चली आती थी।
सच ऐसा होता था माँ? हाँ रे, ऐसा ही होता था। जन्म से अंधे बालक का जन्म गुड़गांव के पास एक छोटे से ग्राम सीही में संवत 1530 में हुआ बताते हैं। सूरदास ने अपने विषय में बहुत कुछ नहीं लिखा, दूसरे माध्यमों से भी बहुत प्रमाणिक या सही सही जानकारी नहीं मिलती है। ज्यादातर विद्वान जो मानते हैं उसके अनुसार सूर के पिता सारस्वत ब्राह्मण थे। वे कथावाचक और प्रोताही से ही अपनी जीविका चलाते थे। पिता से ही बालक सूर ने भागवत कथा सीखी और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जाना। मां सूर को सूरज और पिता सूर्यनाथ कहते थे। सूर की रचनाओं में जो सजीव सरस और कोमल वर्णन मिलता है उससे कुछ लोगों का यह मानना है कि सूर जन्मजात अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए होंगे। बाबा। हाँ बेटे। ये संगीतमय ध्वनियां किसकी है? बेटे ये मधुर स्वर कोयल नामक पक्षी की है। इनके स्वर से निकलने वाली ये प्रकृति की आवाज कितनी मधुर है। हाँ बाबा, बहुत मधुर है। हाँ बेटा, बहुत मधुर है। बाबा। हाँ। बादलों का रंग कैसा होता है? बादलों का रंग? बादलों का रंग बेटा कृष्ण कन्हैया जैसा है, सांवला सलोना, श्याम सखा जैसा। हाँ बेटा, अपना श्याम सखा जैसा। भागवत पंडित, तुम्हारा लड़का तो बड़ा ही होनहार है, ती मानो तो इसे मार्तंड पंडित के यहाँ भेज दो, वहां रहकर नक्षत्र ज्ञान और ज्योतिष आदि सीख जाएगा। इससे आमदनी तो बढ़ेगी ही, शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। आमदनी बढ़ जाएगी तो आपके कहने से भेज देता हूँ। जैसे जैसे बालक सूरनाथ गाना बजाना और ज्योतिष सीखते गए उसी तरह उनका नाम बढ़ता गया, लेकिन साथ ही उनके भाइयों की उपेक्षा और प्रताड़ना भी बढ़ती गई। अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। कुछ समय सूर मथुरा में रहकर अयोध्या की ओर चल पड़े। दिल्ली में उस समय सुल्तान सिकंदर का शासन था। जगह जगह मंदिरों की तोड़ फोड़ जारी थी और पाखंडियों का बोलबाला था। सूर को हर जगह पाखंडियों के विरोध का सामना करना पड़ा। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो।
तो पार करो, चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे। अयोध्या से मन उचटने पर सूर काशी चले गए। वहां श्रीमद् भगवत कथाओं को सुर अपने पदों में रचकर सुनाते। जल्द ही अंधे युवक की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी, मगर उनके मन के वैराग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कृष्ण की लीला नगरी मथुरा पहुंचा दिया। हरे अपने आंगन कछु गावत, हरे अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, तनक तनक चरणन सौ नाचत, मन ही रिझावत, हरि अपने आंगन कुछ गावत, हरि अपने